हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सब्जेक्ट क्यूएससी दैट इज क्वांटिटी 17 क्वेश्चन, जिसका सब्जेक्ट कोड जो है वो 503। ऑलरेडी जो कुछ लास्ट लेक्चर्स हम लोगों ने डिस्कस किए उसमें मैं आपको क्वांटिटी 17 क्वेश्चन के बारे में बता चुका हूँ कि बेसिकली ये जो सब्जेक्ट है वो हमारे लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिसमें मैंने एक सब्जेक्ट में इस क्वांटिटी 17 क्वेश्चन में हम लोग क्या क्या कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया कि फील्ड में जब भी हम जाते हैं तो कोई भी अगर हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले उसका एस्टिमेशन निकालना पड़ता है, या कोई प्रोजेक्ट आपका चल रहा है तो उसको क्या बिल बनाने के लिए हमें उसकी क्वांटिटीज निकालनी पड़ती है कि कितना मटेरियल लगा, उसके बेसिस पे हम उसका रेट निकालते हैं। तो ये जो क्वांटिटी हम लोग निकालते हैं, जैसे कोई बिल्डिंग हम बना रहे हैं या हमें कोई रूम बना रहे हैं या हम कोई ब्रिज बना रहे हैं, उसमें हमको मटेरियल की अगर क्वांटिटी निकालनी है तो वो मटेरियल की क्वांटिटी को निकालने के लिए किसी भी टाइप के स्ट्रक्चर में हम लोग दो मात्रक का यूज करते हैं, दो टाइप की मात्रक का यूज करते हैं। एक मात्रक का नाम है आपका लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मात्रक, और दूसरी मात्रक का नाम है सेंटर लाइन मात्रक। तो एक मात्रक होती है क्वांटिटी ऑफ मटेरियल निकालने के लिए लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मात्रक, और एक दूसरी मात्रक जो होती है वो होती है सेंटर लाइन मात्रक। इन दोनों मात्रक को यूज करके हम मटेरियल की क्वांटिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। अब मैंने बोला कि सबसे पहले मैं आपको बात करता हूँ कि लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मात्रक क्या होता है, या इसका रूम क्या होता है, या इससे हम किस तरीके से चीजों को कैलकुलेट कर सकते हैं कि मेरे को कितनी ब्रिक की रिक्वायरमेंट है, कितनी कंक्रीट की रिक्वायरमेंट है, कितनी एक्सकेवेशन की रिक्वायरमेंट है। तो लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मात्रक क्या होती है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैंने एक सिंगल रूम ले लिया, एक रूम ले लिया हम लोगों ने, जिसमें हम लोगों ने क्या किया, जैसे एक रेक्टेंगुलर रूम है तो यहाँ पे हमने रेक्टेंगुलर रूम यहाँ पे कंसिडर कर लिया। अब इस रेक्टेंगुलर रूम में जो आपकी बड़ी वाली वॉल होती है, जो आपकी बड़ी वॉल होती है, जैसे यहाँ पे ये बड़ी वॉल है, ये वाली भी बड़ी वॉल है, तो जो बड़ी वॉल होती है उनको हम लॉन्ग वॉल कंसिडर कर लेते हैं, और जो छोटी वाली वॉल्स हैं उनको हम लोग क्या कर लेते हैं, शॉर्ट वॉल कंसिडर कर लेते हैं, राइट। अब रूम में जो बड़ी वॉल है उनको हमने लॉन्ग वॉल कंसिडर किया, और आपने क्या किया, जो भी आपका रूम का साइज है, जस्ट मान लीजिए कि यहाँ पर आपका जो रूम का साइज है वो है 4x5 मीटर की आपकी लॉन्ग वॉल हो गई और 4 मीटर की आपकी शॉर्ट वॉल। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो वॉल की थिकनेस होती है उस वॉल की थिकनेस को हमने कंसीडर किया, थिकनेस ऑफ वॉल मान लीजिए यहाँ पे 20 सेंटीमीटर, मतलब वन ब्रिक वॉल है, यहाँ पे भी 20 सेंटीमीटर है, तो सबसे पहले हम इसकी सेंटर टू सेंटर लेंथ निकाल लेंगे, मतलब कि कितना हो जाएगा, जो आपका ये 5 मीटर है प्लस 20 का सेंटर कितना हो जाएगा 0.2 मीटर में, यहाँ से 0.2 तो 0.2 by 2 पास लेंगे तो 5.2 मीटर जो होगी लॉन्ग वॉल की लेंथ। इसी तरीके से शॉर्ट वॉल की लेंथ निकालेंगे, इनर जो आपकी लेंथ है 4 मीटर है, यहाँ से भी वॉल 20 सेंटीमीटर है, ये भी 20 सेंटीमीटर है, दैट मीन कि हम 0.2 का हाफ ऐड कर लेंगे तो भी कितना हो जाएगा 4.2 मीटर हो जाएगा। तो सबसे पहले जब हम लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मात्रक यूज करते हैं तो इसमें हम लोग पहले सेंटर टू सेंटर लेंथ निकालते हैं, लॉन्ग वॉल की कितनी आ रही है और शॉर्ट वॉल की कितनी आ रही है, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग कैलकुलेशन करना चाहते हैं कि जैसे कि हमें एक्सकेवेशन की फाउंडेशन निकालना है कि मैंने कोई घर बनाया उसमें मैंने एक्सकेवेशन कितना किया, तो एक्सकेवेशन फाउंडेशन के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आपको एक्सकेवेशन ऑफ विड्थ पता होनी चाहिए, जिसके लिए आपके पास यहाँ पे एक सेक्शन दिया रहता है कि जो फाउंडेशन है वो किस तरीके की बनी है, उसमें एक सेक्शन दे दिया रहता है। तो हम लोग उसको कैसे अप्लाई करते हैं, उसको क्वांटिटी को निकालने के लिए हम लोग एक शीट यूज करते हैं जिसको बोलते हैं मेजरमेंट शीट। इस मेजरमेंट शीट में एक कॉलम होता है आपका सीरियल नंबर का, दूसरा होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम का, तीसरा कॉलम होता है नंबर्स का, फिर होता है लेंथ का, फिर होता है विड्थ का, फिर होता है सिंगल रूम की बात करता हूँ तो सिंपल सी बात है कि दो लॉन्ग वॉल। तो इसका मतलब लॉन्ग वॉल में हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम टू लिखेंगे, यहाँ पे लॉन्ग वॉल के साथ में टू लिखेंगे, फिर उस लॉन्ग वॉल की लेंथ भी। तो एक्सकेवेशन की बात कर रहे हैं तो लॉन्ग वॉल की लेंथ निकालने के लिए हमने सेंटर टू सेंटर जो लेंथ निकाली थी वो कितनी थी, वो आपकी थी 5.20 मीटर। उसमें जो एक्सकेवेशन आपने किया, मान लीजिए आपने एक्सकेवेशन की जो विड्थ है वो 1 मीटर है, तो आप उसमें क्या करेंगे, बोथ दी एंड से दोनों साइड से जो विड्थ ऑफ एक्सकेवेशन है उसका हाफ आप करके दोनों तरफ से ऐड करेंगे, तो 1 का हाफ उधर से 1 का हाफ ऐड होगा तो 1 आएगा, दैट मीन आपकी एक्चुअल लेंथ कितनी हो जाएगी, वो लेंथ हो जाएगी एक्सकेवेशन की 6.20, राइट। इसी के बाद हमने जो वेट है तो वेट ऑफ एक्सकेवेशन मैंने आपको बताया 1 मीटर, दैट ग्राउंड लेवल से कितना हमने नीचे जाकर एक्सकेवेट किया लाइक 1 मीटर किया, तो आपने 1 लिख दीजिए, और क्वांटिटी जो लिख लेगी उसमें भी 4
चारों कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी क्या जाएगी क्वांटिटी आ जाएगी, वो क्वांटिटी होगी टाइम में एक्सेलरेशन हो रहा है तो क्यूबिक मीटर में, क्योंकि एक्सेलरेशन का क्यूबिक मीटर में किया जाता है राइट। अब इसी तरीके से मैंने बोला कि नेक्स्ट आपका जो आइटम है वो आइटम आपने कॉन्क्रीट फाउंडेशन में काम किया, आपने फाउंडेशन बनाया इसमें कितना कॉन्क्रीट लगाया, तो उसके बेसिस पे हम लोग इसका यूज करके करते हैं। तो इसमें हम लॉन्ग वॉल को सेपरेट करते हैं और शॉर्ट वॉल को सेपरेट करते हैं, ये जो क्वांटिटी होगी यहां पे लॉन्ग वॉल के लिए लेंगे। अब इसके बाद यहां पे हम लोग शॉर्ट वॉल लेंगे, शॉर्ट वॉल की भी होगी सिंगल स्पार होगी, उसके बाद अगर हम आगे जाते हैं इसकी लेंथ हम लोग लेंगे तो लेंथ में क्या करेंगे जो लॉन्ग वॉल में चीज आपने ऐड करी है, जो फाउंडेशन के बिल्ड को आपने आफ्टर ऐड किया था लॉन्ग वॉल में वही चीज सेम चीज आप शॉर्ट वॉल में क्या करते हैं एडेप्ट करते हैं। Because long wall में आपका क्या होता है कि जो चीज कैलकुलेशन लॉन्ग वॉल में आ रहा है तो शॉर्ट वॉल में अगर कुछ ऐड करेंगे तो डबल आने लगेगी, उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है कनेक्शन लगाना पड़ता है। तो जो चीज आपने लॉन्ग वॉल में ऐड किया सेंटर टू सेंटर लाइन के बाद वही चीज आप शॉर्ट वॉल में क्या करेंगे माइनस करेंगे, जैसे 1/2 आपने वहां पे ऐड किया तो यहां 1/2 आपके लिए माइनस करेंगे और शॉर्ट वॉल की क्वांटिटी निकल जाएगी और उसको टोटल करेंगे तो टोटल आपका आंसर निकल जाएगा। ये जो तरीका है वो लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल का। अब इसी तरीके से आप अगर सेंटर लाइन और वही लाइन आपकी जो होगी वो किसके लिए होगी एक्सकेवेशन के लिए होगी, वही आपकी कंक्रीट फाउंडेशन के लिए होगी और वही सारी कैलकुलेशन में यूज होगी थ्रू आउट और उसमें एक बार लोगों का कैलकुलेशन आपका हो जाता है। दैट मीन कि सेंटर लाइन मेथड इजी है लेकिन कम इजी है जब नंबर ऑफ जंक्शन उसमें कम, अगर नंबर ऑफ टी जंक्शन जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं तो सेंटर लाइन मेथड हमारे लिए डिफिकल्ट होती जाती है और लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड जो होती है उसको ही इसलिए मेनली यूज किया जाता है बड़े बड़े प्लांट्स के ऊपर, जितना भी बड़ा बड़ा काम होता है जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं उसमें लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड इसीलिए यूज करते हैं। बिकॉज सेंट्रल लाइन मेथड आपके सिंगल रूम प्लान के लिए अच्छी है, कोई सर्कुलर बॉडी के लिए अच्छी है, लेकिन जैसे बड़े प्लान आएंगे आपके नंबर ऑफ जंक्शन आएंगे, नंबर ऑफ डी जंक्शन का मतलब कि आपके पास एक रूम है उसमें एक वॉल यहाँ से गई एक वॉल यहाँ से गई तो ये डी जंक्शन होता है। तो जैसे डी जंक्शन नंबर ऑफ डी जंक्शन बढ़ेंगे उसमें डायरेक्शन बढ़ता है वहाँ पे कन्फ्यूजन होता है जिससे आपकी वैल्यू तो छोटे पर के लिए छोटे प्लान के लिए हम लोग यूज करते हैं सेंटर लाइन मेथड, अदरवाइज हम लोग क्या करते हैं हम यूज करते हैं लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड और दोनों में ही जो क्वांटिटी निकाली जाती है वो शीट को यूज करके निकाली जाती है जिसको क्या बोला जाता है मेजरमेंट शीट। और इसके बाद अगर हमें एनालिसिस करना है तो हम वेट एनालिसिस करने के लिए एब्स्ट्रैक्ट शीट।